तो यार सामने इस बार इंट्रोड्यूस करने वाले एम आई एस सीरीज के ऊपर एक नया स्मार्टफोन को जो कि होने वाला है MI A4। एंड इससे पहले जो MI A3 देखने को मिला था, इसमें आपको वाटर डब नॉज देखने को मिला था, बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिला था। बट यहाँ पर जो MI A4 होने वाला है बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव स्मार्टफोन होने वाला है, जहाँ पर आपको अनयूजुअल डिजाइन देखने को मिलेगा, प्रीमियम लुक देखने को मिलेगा, उसके साथ आपको पावरफुल प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। एंड इस स्मार्टफोन में आपको सामने की तरफ से देखने को मिलेगा एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल, जिसमें आपको 5x कैमरा भी देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Xiaomi MI A4 के बारे में, बताऊंगा इस स्मार्टफोन में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिल सकता है एंड इसका प्राइसिंग कितना होगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करूँ MI A4 के डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर जो MI A4 होने वाला है बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप, उसके साथ बैक साइड में आपको कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। एंड फ्रंट साइड की बात करूँ तो फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलेगा 5x सेल्फी कैमरा, उसके साथ नीचे का जो बेजल चेन होने वाला है बहुत ही कम होने वाला है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपरली H2S डिस्प्ले का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट भी होने वाला है। उसके बाद बात करो स्मार्टफोन का कुछ अदर फीचर के बारे में, तो Xiaomi की तरफ से MI A4 के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक सुपर एमोलेड पैनल, जहां पर कलर रिप्रोडक्शन एंड कलर सैचुरेशन आपको बहुत ही ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा, जिसके साइज होने वाले 6.7 इंच का। एंड एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिलेगा 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो। एंड रेजोल्यूशन की बात करो तो आपको 1080x2400 पिक्सल का आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कितना बेटर क्वालिटी का कलर देखने को मिलेगा। तो एमोलेड डिस्प्ले पैनल जो होता है IPS LCD के मामले में बहुत ही ज्यादा बेटर होता है, तो MI A4 के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा बेटर डिस्प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो अब बात करूँ MI A4 के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G, जिसमें आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा 2.2 GHz एंड GPU आपको देखने को मिलेगा Adreno 618 का GPU। तो आप किसी भी गेम को बहुत ही स्मूथली रन करा पाओगे, कोई भी आपको हीटिंग इशू एंड कोई भी आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जैसे कि आप सब लोगों को पता है MI का जो A सीरीज है इसमें आपको एंड्रॉइड ऑन प्रोग्राम देखने को मिलता है, तो MI A4 के अंदर भी आपको एंड्रॉइड ऑन प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यूजर एक्सपीरियंस होने वाले भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पर एंड्रॉइड का जो लेटेस्ट अपडेट होगा आपको बहुत ही फास्टली स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी के मामले में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको रेगुलर वाइज सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। उसके साथ कैमरा फीचर की बात करो तो बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप, यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 64 MP के प्राइमरी सेंसर, सेकेंडरी सेंसर आपको देखने को मिलेगा 8 MP का, उसके साथ 2 MP का आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा एंड 2 MP का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा की बात करो तो फ्रंट में आपको 32 MP के 5x सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, उसके साथ यहाँ पर जो अपर्चर आपको देखने को मिलेगा वो होने वाले 2.0 का अपर्चर, तो यहाँ पर जो लाइट के इनटेक होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्मूथ होने वाला है। उसके साथ बैटरी की बात करो तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 4500 mAh की ह्यूज बैटरी, जिसके साथ आपको क्वालकॉम क्विक चार्ज 4+ टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यही था कुछ लिख्स एंड रूमर्स Xiaomi MI A4 के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना।